हेलो एवरीवन आई एम हरलीन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यू चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज और मैं फिर से हाजिर हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेट करती एक नई इन्फॉर्मेशन एक नई जानकारी लेकर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अभी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन कंपनीज के स्टॉक तो सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे कि ये कंपनीज एक्चुअल में क्या काम करती हैं

में और आप ये सीख पाओ कि किस तरह से डिफरेंट स्टॉक्स को analyze किया जाता है और compare करते हुए हम ये देख सकते हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पूरा discussion हम सिर्फ सिर्फ और नहीं रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कंपनी के साथ प्राइमरी एंगेज है रेल वैगन की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग वैगन मैन्युफैक्चर में से एक है प्राइवेट सेक्टर में और इनका अगर मैं प्रोडक्ट रेंज आपको फोकस करवाऊ तो ये कंपनी मेट्रो सिस्टम्स के लिए रेल कोचेस मैन्युफैक्चर करती है वैगन्स विध वैगन मूविंग एंड कपलर्स कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड इनके प्रोडक्ट रेंज को देखते हुए एक क्लियर हमें आइडिया मिल जाता है की जो प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है उनकी डिमांड नियर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा रहने वाली है जिस कारण इस कंपनी में अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है ऑल्सो कंपनी इस प्लानिंग टू डेवलप कोचेस फॉर मेट्रो स्टेशन सेटिंग अप एट मुंबई हैदराबाद एंड बैंगलोर इसके अलावा टीटागढ़ रेल सिस्टम है कई और स्पेशल प्रोजेक्ट की अंडरटेकिंग में जैसे बेले ब्रिज की डेवलपमेंट का काम हो गया कई और मॉड्यूल स्टील ब्रिजेस का काम हो गया इसी के साथ ही न्यूक्लियर पावर एंड डिफेंस सेक्टर्स के लिए भी ये कंपनी इक्विपमेंट बनाती है अब हम इरेकॉन आरवीएनएल जैसी कंपनीज के बारे में जानते हैं कि ये रेलवे सेक्टर से रिलेट करती हैं और यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी और कंपनीज हैं जो रेलवे सेक्टर से रिलेट करती हैं और इक्विवेलेंट ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं तो ऐसी ही एक कंपनी है टीटागढ़ ड्रिल सिस्टम्स लिमिटेड जिनका करंट स्टॉक प्राइस 965 रुपीस का है 1249 रुपीस का हाई स्टॉक ने बनाया है और 270 रुपीस का लो बनाया है अप्रोक्सिमेटली स्टॉक अपने 52 वीक हाई के कंपेरिजन में यहाँ पर ट्वेंटी की करेक्शन पे अवेलेबल है वैल्युएशन देखें तो पीई रेशियो एट बी सिक्स बुक वैल्यू पर शेयर वन सिक्स रुपीज और फेस वैल्यू टू का है इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो का है और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटीन का है प्रेजेंट के लिए कंपनी का sales growth का सेल्स ग्रोथ रहा है और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स में अच्छा खासा राइज देखने को मिला है इनका जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो जीरो पॉइंट टू सिक्स का है जो वन से बहुत ही कम है ऐसा कोई फंडामेंटल लिमिटेशन यहाँ पर स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिलती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको फोकस करवाऊं तो 42.46 टू पॉइंट फोर सिक्स परसेंट की प्रोमोटो स्टॉक में 20 ट्वेंटी टू एट परसेंट की डीआई होल्डिंग्स हैं जो क्लियर इंडिकेट करता है कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल की 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 ओर आगे ऑर्डर बुक बात जाए तो इंडियन रेलवे की ओर से इस कंपनी को नाइनटीन करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है टू सप्लाई फोर थाउजेंड स्पेशली डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट बल्क गुड्स सच एज कोल एंड ओर एक्सपेक्टेड है की ये ऑर्डर आने वाले दो साल में एग्जीक्यूट होगा और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस नए ऑर्डर में 11 टू 12 परसेंट तक का मार्जिन होगा कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 28,000 करोड़ करोड का का है है जिसमें से फ्राइट ऑर्डर बुक रफली 7,000 टू 8,000 मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी के कई टेंडर्स पाइपलाइन में भी हैं ऑन द पैसेंजर रेल सेगमेंट इंक्लूडिंग टू फॉर चेन्नई एंड थ्री फॉर मुंबई मेट्रो और आने वाले तीन से चार साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टीटागढ़ रेल सिस्टम का जो डिफेंस वर्टिकल है ये की ग्रोथ ड्राइवर रहने वाला है कंपनी के लिए ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है जहां से मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाए जा सकते हैं आपकी टीटागढ़ रेल लिमिटेड के के बारे में क्या राय है ये हमारे साथ थ्रू आप जरूर शेयर कीजिएगा तो अभी अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है यानी कि एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और मैं चाहती हूँ में आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे रिटर्न बना के दें जिसके लिए जरूरी है कि आपका स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो पोर्टफोलियो बनाना कोई आसान बात नहीं है इसके लिए आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास टाइम भी होना चाहिए बट ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी दो रेडी टू इन्वेस्ट मिलते हैं यानी कि 15 से 20 वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स का एक बास्केट आपको दिया जाता है जिसमें आपको कौन से स्टॉक्स और उन्हें कितनी क्वांटिटी में लेना है इसके बारे में बताया जाता है और इन पोर्टफोलियोज का जो रिकमेंडेशन है ये आपके रिस्क प्रोफाइल पर ही डिपेंड करता है जब आप तेजी मंदी आप डाउनलोड करते हो तो आपके रिस्क प्रोफाइल को जानने के लिए आपसे पांच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी हिसाब से ही आपको हाई या फिर मीडियम रिस्क प्रोफाइल असाइन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टॉक पोर्टफोलियो सजेस्ट किया जाता है तेजी मंदी ऐप पर रजिस्टर करने के बाद आप रूपीज नाइन्टी पर मंथ के प्लान से शुरू कर सकते हैं और इनके प्लान्स के बारे में बाकी जानकारी आपको इनकी ऐप आप के ऊपर भी मिल जाएगी ऑल्सो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट या फिर ऐप से भी पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो और इनका सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो ये याद रखिएगा कि ये आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं और इनकी बैक एंड टीम सभी पोर्टफोलियोस को एक्टिवली मैनेज भी करती है तो टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़ती है ये आपको रीबैलेंस का अपडेट भी देते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो मार्केट के अप्स एंड डाउन में भी बैलेंस रहे और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के पोटेंशियल को पूरा कर सके अगर आपको समझने में आपको कोई परेशानी हो तो आप इनकी सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छे से समझते हैं और आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करने में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं याद रखेगा तेजी मंदी एप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर रखा है अभी जाकर तेजी मंदी एप डाउनलोड करें और अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की चिंता छोड़ दें चलिए अभी टॉपिक पे वापस आते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और रेलवे स्टॉक के बारे में कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड 16,405 करोड का इनका मार्केट कैप है और इस टाइम इनका करंट स्टॉक प्राइस नाइनटी सेवन का है जो हाई स्टॉक ने बनाया है वो फोर थर्टी का है और लो बनाया है नाइन्टी फाइव का आगे कंपनी का बिजनेस समझे तो ये इंगेज है व्हीकल बॉडीज की मैनुफेक्चरिंग में फॉर कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री इसके अलावा कंपनी वैगन्स की रिफर्बिशमेंट करती है और मैन्युफेक्चर करती है कॉम्पोनेट्स फॉर लोकोमोटिव्स फॉर द इंडियन रेलवे कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहा है बड़ी कंपनी है जिनके लिए ये कंपनी व्हीकल बॉडीज मैन्युफेक्चर करती है आगे कंपनी के फंडामेंटल देखें तो इनका पीई रेश्सटी का है पीबी पी टेन बुक वैल्यू पर रुपीज और फेस वैल्यू 10 का है का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16.81 परसेंट का है और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.4 परसेंट का है प्रेजेंट ईटीएम के लिए अगर मैं इनका सेल्स ग्रोथ आपको फोकस करवाऊं तो 75.52 परसेंट का रहा है और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 150.5 परसेंट का रहा है पिछले तीन साल का अगर हम डेटा एनालाइज करते हैं तो मैसेव ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है वन का इनका सेल्स ग्रोथ रहा है तीन साल के लिए और एट से भी ज्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है डेट की कोई दिक्कत लॉन्ग टर्म में यहाँ पर

मिनिस्ट्री एंड इंडियन रेलवेज और ये दोनों ही ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही फोकस्ड है और यहाँ आने वाले कुछ सालों में बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर हम टू तक का भी टारगेट रखते हुए तो ऐसे में जुपिटर वैगन लिमिटेड एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह निकल कर आ सकता है जहां से मल्टीफुल रिटर्न बनाए जा सकते हैं अब आपको यहाँ तक का एनालिसिस कैसा लग रहा है ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और तो वीडियो को साथ साथ में लाइक भी करते जाइएगा चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की हमारी थर्ड कंपनी के बारे में जिसका नाम है टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यह भी एक स्मॉल कैप कंपनी है सिक्स करोड़ का इनका मार्केट कैप है और करंट स्टॉक प्राइस इस कंपनी के लिए देखा जाए तो टू थर्टी रुपीस का हाई बनाने के बाद स्टॉक वन सेवेंटी पे ट्रेड कर रहा है जो लो स्टॉक ने बनाया है वो करीब फोर्टी थ्री का है तो फिफ्टी टू वीक हाई के कंपेरिजन में यहाँ पे देखें तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट की करेक्शन पे ये स्टॉक अवेलेबल है फंडामेंटल्स जानने से पहले यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेक्स मैको रेल दो बिजनेस डिविजन में ऑपरेट करती है जिसमें एक है हेवी इंजीनियरिंग डिविजन और दूसरा है स्टील फॉन्ड्री डिविजन जिसमें ये डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे कि रेलवे फ्रेट कार्स हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी रोलिंग स्टॉक्स स्टील स्ट्रक्चर प्रेशर वेसल रोड रिपेयर एंड एग्रीकल्चर मशीनरी भी मैन्युफैक्चर करती है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 50.16 परसेंट की प्रमोटर होल्डिंग्स के साथ यहां पर 9.57 पॉइंट फाइव सेवन एंड

आगे इन तीनों ही स्टॉक्स को जो आज हमने डिस्कस किए हैं यानी कि टीटागढ़ रेल रेल सिस्टम्स लिमिटेड लिमिटेड और टेक्स रेल, इन तीनों को फंडामेंटल पैरामीटर्स के आधार पर कंपेयर करके भी देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा बेहतर लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अब देखिए रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है इन तीनों ही स्टॉक्स में से सबसे ज्यादा ओवर नजर आ रहा है स्टॉक का पीई जो है वो हाइएस्ट है वहीं अगर मैं अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस की बात करूं तो वो मिनिमम है रिटर्न रेशियोज भी अगर हम देखते हैं तो भी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड और जुपिटर वैगन लिमिटेड दोनों ही कंपनीज अच्छे रिटर्न बना रही है एस कंपेयर टू टेक्स मैको रेल तो हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर कुछ ऐसी ही कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए पिक करना है जो अच्छे रिटर्न बना रही हूँ और जिनका ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग हो फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनीज स्ट्रांग हो और उनके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा हो इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मुझे यहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड और जुपिटर वैगन लिमिटेड ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखा जाए जहां से मल्टीपुल रिटर्न बनाए जा सकते हैं करंट लेवल से देखा जाए तो इन स्टॉक्स में जब भी आपको चार से पांच की करेक्शन मिलती है तो फिर एडिंग या फिर करते हुए चला जा सकता है लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि वीडियो सुनते ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना है यहाँ पर यह पूरा डिस्कशन हमने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पज से ही किया है यहाँ पर आप इसे किसी तरह का भी बाइस सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझेगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो अपनी इवेस्टमेंट के लिए तो कंपनी के बारे में एक बार खुद से रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उसी आधार पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें आपको आज का मेरा स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इन कंपनीज के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो इफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ अगर आप इंग्लिश कॉन्टेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और तेजी मंदी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर रखा है वहां से जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप चाहो तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग